Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all absolutely fine. So, आज मैं हूँ हनोई वियतनाम में. As you know, बहुत दिन से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ हनोई वियतनाम. एंड सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था मैं अपने हॉस्टल में, सो मुझे एक मैम मिली. उन्होंने मुझे इन्वाइट किया. ये लोग जा रहे हैं फुक विलेज, समथिंग इज सिल्क, राइट? फुक विलेज इज फेमस फॉर सिल्क, राइट? सो हम वहाँ पर जा रहे हैं और इट्स लाइक अराउंड 45 मिनट की ड्राइव है यहाँ से. एंड आज वो एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे. और अभी हैं ग्रैब टैक्सी में. सो जैसे हमारे यहाँ ओला और उबर है, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है अपने पिछले वीडियोस में. सो उसी तरह से ये होता है ग्रैब टैक्सी. और ग्रैब एक ऐप है जिसमें आप कार भी बुक कर सकते हैं, फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक एवरीथिंग विन वन ऐप. सो अब आउटसाइड इट्स रेनिंग राइट नाउ. सो अभी हम कार में हैं. हाय गाइस. सो मेरे साथ हैं चिप. चिप, राइट? सो लास्ट नाइट वियतनाम और इंडिया का मैच हुआ था. और ये वही बता रहे हैं कि वियतनाम ने बुरी तरह से इंडिया को हराया. सो या आई नो, आई वॉच द मैच लास्ट नाइट. सो इट्स लाइक वियतनाम प्लेड रियली वेल. बट इन इंडिया फुटबॉल इज नॉट वेरी फेमस, यू नो. फुटबॉल इज नॉट वेरी फेमस. सो मोस्टली क्रिकेट पीपल वॉच अ लॉट. क्रिकेट, यू गाइस वॉच क्रिकेट? नो. सो ये आई थिंक मेरा मजाक उड़ा रहा है कि हमने हरा दिया. ओके. Đấy, vào đấy thì nó có mấy cái đường nhánh nhỏ nhỏ thôi. So guys, हम आ तो गए हैं सिल्क विलेज में. टोटल यहाँ पर 19 ऐसे विलेजेस हैं जिनको सिल्क विलेज कहा जाता है. उनमें से एक ये है जो एक घंटे की ड्राइव पर है यहाँ पर हनोई से. हम लोग यहाँ आ गए हैं एंड अब एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे. बट यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा. भाई आई थिंक हमने डे जो आज चुना है ना वो बहुत गलत चुन लिया है. बट यार काफ़ी अच्छा है यार, ये विलेज काफ़ी अच्छा है. What is the price of this hat? 300,000 dong. So very quick, I'm going to give you a little tour of this shop. So starting karte hain idhar se.
सो ये तो स्कार्प हो गया. एंड सी वुमेन सेक्शन है और मेन सेक्शन भी है, बट वुमेन का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं मे बी नाम प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, बट आप समझ जाइएगा देख कर. सो ऐसे कुछ ड्रेसेस हैं, ये बैग है इधर, और ये सारे ही सिल्क से बने हैं. बाइंग दिस और ये जो है ना ये फेलो हॉर्न, और ये एक्चुअली थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू लाइक इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो ये पड़ेगा मुझे 450 रुपये का. बट अगर मैं वियतनामीज में बात करूँ तो यहाँ से मैंने पूछा है जो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने पूछा बोला कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल. सो बिकॉज कुछ एक मेमोरेबल भी रहेगा मेरे लिए और ये काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा है और मेरे हाथ में भी अच्छा लग रहा है, तो आई एम गोइंग टू बाय दिस. सो थैंक यू सो मच मैम. So this is traditional coffee shop, right? Yeah. It's coffee or beer shop also? It's made up of peanut and brown sugar, right? Yeah. And what is this? What is this? Just tea. Tea? Yeah. So भाई एक traditional shop पर बैठे हैं और ये sweet candy traditional candy है, peanuts और गुड़ से बनता है वो है. और ये है tree जिसमें ice डाला हमने और ये tea डाला. मैंने आपको दिखाया था बहुत पहले भी कि टपरी पे ऐसे हम पीते हैं. So we are right now in a park. छोटा सा पार्क है, बस चाय पीने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं. और मुझे यहाँ सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है लोगों से मिलकर, लोगों से बात करके, इनके कल्चर को जानकर. और मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ ट्रैवल कीजिए जब भी आपको टाइम मिले. फॉर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट फॉर अ वीक और एटलीस्ट 3-4 डेज जाइए, ट्रैवल कीजिए, घूमिए, कल्चर को जानिए, तो इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को. एंड इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे. एंड कमन कमन फॉर इन्वाइटिंग मी. अभी हम लोग हैं फैक्ट्री के अंदर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे ये जो सिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हम कैसे बनते हैं. सो सिंचा ये देखिए, ये सिल्क है, इट्स लाइक दिस. भाई ये मशीन है, देख रहे हैं आप, और ये कपड़ा बन रहा है. देखिए इस सिल्क का कपड़ा है और ये इस तरह से पूरा होता है प्रोसेस. सो गाइस अभी मैं इनसे इनके स्कूलिंग और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा था कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है वियतनाम में. सो इट्स वेरी सिमिलर टू इंडियन, लाइक फर्स्ट वन क्लास, फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ ये एलिमेंट्री स्कूल होता है, एंड देन क्लास लाइक अपर फ्रॉम क्लास फिफ्थ टू नाइन सेकेंडरी में आता है, एंड देन व्हाट्स लाइक हाई स्कूल फ्रॉम क्लास
10? Yeah, from class 10 to 12 is like high school. और उसके बाद फिर वही सेम ग्रेजुएशन करना होता है आपको. और ये कर रही हैं, what are you studying right now? University. Yeah, like subject major? Professional communication. हाँ, yeah, professional communication. और basically 3 year का होता है, but क्योंकि course इतना ज़्यादा होता है तो इन लोगों को 1 year extra मिलता है, 1 year extra इनके ऊपर होता है. अगर ये चाहें तो 3 year में complete कर सकती हैं, बट ये लोग 1 extra लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर वो 4 year में कंप्लीट होता है. सो शी इज़ स्टडिंग राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, राइट? सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शी इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन. सो या, वेरी अमेजिंग टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ वियतनाम एंड लाइक हाउ एजुकेशन सिस्टम वर्क हियर. बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे लोगों से मिलकर और उनसे बात करके, और इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी जब भी मुझे मिलती है मैं उसे ग्रैब करता हूँ. और जितना मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, like I ask a lot of questions, sometimes I think people get irritated. I'm very curious always. So sometimes people like it. बस हम जस्ट बैठे हैं यहाँ पर, बारिश थोड़ा रुकने का वेट कर रहे हैं, एंड देन हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे आज. एक यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मेट्रो होती है, वैसे यहाँ पर है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है. सो वहाँ से स्काई व्यू काफ़ी अच्छा है ऐसा ये कह रही हैं, बट आई थिंक वो हमने काफ़ी देखा है इंडिया में, बट लेट्स ट्राई. हम इनके साथ हैं तो वो जाना ही पड़ेगा. और उसके बाद हम एक कैफ़े जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, लेट्स सी, एंड देन बैक टू हनोई. कार ड्राइवर, इन्होंने मुंबई की बात की, लोकल ट्रेन. सो मैं इनको वही दिखा रहा था कि रश कितना होता है.